रैपिड एक्शन फोर्स ने थाना सडोरा में पहुंचकर थाने का मुआयना किया। जानकारी देते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी नान सिंह ने बताया कि सेना के कुल 40 जवानों तथा 2 अधिकारी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 19 से लेकर 25 तारीख तक यमुनानगर जिले के 13 थानों में मुआयना किया जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स गाँवों के लोगों की जानकारी हासिल करने पहुँची है कि किस गांव में कितनी किस मजहब के लोग रहते हैं, और ये सारी जानकारी वह एकत्र कर रहे हैं। मुजीराबाद 603 से तो 19 तारीख से हमारा अभियान 19 से 25 तारीख तक यमुना नगर में पूरे मालिक डिस्ट्रिक्ट में है। 13 थाने हैं यहाँ, तो 19 से 25 मालिक 13 थाने वहाँ की घूमना हमने, और एरिया की जानकारी के लिए आए हैं। एरिया में कहीं माले दंगा तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही है, उसके बारे में सर्वे करना आया। 25 तारीख का है, ऐसे कोई पहले माले दंगा होया हो, कभी 1 साल होया हो, 2 साल, उसके बारे में सुनने आए हैं। और मंदिर कितने, मस्जिद कितने, पेट्रोल पंप कितने, कोई हथियार की दुकान तो नहीं है आसपास में, उसके बारे में। अभी 4 हो गए थाने, पर कि 9 अभी यहाँ की बातचीत है, 5वां थाना ये आज है। सडोरा से अजा टीवी न्यूज़ के लिए प्रवीण सैनी की रिपोर्ट।